हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मशीन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और PYQ की इस सीरीज के अंदर नवोदय स्कूल का 2006 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें, सबसे पहले आपके पास आपके रफ कॉपी और आपका पेन आपके पास में होना चाहिए। तो एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हम शुरू करेंगे कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। हाथ की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2006 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन हैं, कितने घंटे का टाइम दिया हुआ है, कैसे नेगेटिव मार्क होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फोकस करके बिल्कुल पढ़ना है इंस्ट्रक्शंस को, राइट? क्योंकि पेपर आपके पास में पहले ही आ जाता है। ये 2006 का क्वेश्चन पेपर है और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है लेफ्ट साइड में, और जो कि आपको कंप्लीट करना है जो आंसर फिगर है उनके थ्रू, राइट? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे, राइट? कि इसमें कौन से प्रॉब्लम फिगर्स को अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको बताना है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन आएगा, राइट? अगर आप ये कह रहे हो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा, राइट, तो आप बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर 4 वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब के आंसर्स सही हैं, राइट? चलिए, अगर आपको लगता है ना कि कोई डाउट है या कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आती है, और आप लास्ट में मुझे बताओगे व्हाट्सएप करके इस नंबर पे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं, राइट? आप चलिए पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं ईमानदारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पैटर्न को देख करके आपको इजीली अंदाजा लग रहा होगा कि क्रॉस का साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन किस वाले ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर 3 वाले में, राइट? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, आपको समझ आएगा कि अगर आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो ये एक बॉक्स ऐसा होगा और एक ऐसी लाइन आएगी, तो ये कंप्लीट बॉक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है, राइट? और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सर बीच में आप थोड़ा सा गैप दिया करो, राइट, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में। देखिए, आपको सॉल्व करना, आप पॉज कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन आ चुका है पॉज करिए, फिर आंसर्स को देखिए। क्योंकि अगर मैं टाइम दूंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और मुझे 2 घंटे के अंदर में ही ये क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करना है, राइट? तो आप मेरी भी प्रॉब्लम को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या ये कंप्लीट होगा, ये पैटर्न कंप्लीट हो पा रहा है क्या, ये आपको फोकस करके देखना है। तो यहाँ पर जो सबसे सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इसका एक करेक्ट ऑप्शन भी है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, चीजें बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 को तो आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहा है, इसमें से कौन से वाले क्वेश्चन में आएगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है और ये इसको कंप्लीट अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कैसा चाहिए, आपको प्लस चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 थे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है और जो आंसर फिगर है, इन प्रॉब्लम फिगर्स का एग्जैक्ट आंसर फिगर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, राइट? आप देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस आपको दिख रही होंगी और अगर आप इसको कंप्लीट करोगे, अगर आप इसको कंप्लीट करते हो कुछ इस तरीके से, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न, राइट? तो आपको क्या चाहिए, एक सिंपल सी लाइन चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर 1 में एक सिंपल सी लाइन है और जो कि क्रॉस कर रही है उसके डायगोनल्स की तरह, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखते जाइए कितने सही जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं,
ये जो आपको पिक्चर दिया हुआ है राइट, और इस पिक्चर में आपको कंप्लीट करना है पैटर्न को, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्रॉस लाइंस चाहिए, तो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एट्थ के बारे में बात करते हैं, और ये पैटर्न भी बहुत सिंपल है। कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, इस पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो चीजें आपको समझ में भी आएंगी कि आपको इसको कंप्लीट करना है राइट, और कहीं ना कहीं आपको इसको कंप्लीट करना है, और ये कुछ इस तरीके से आएगी लाइन कंप्लीट होती हुई राइट, तभी जा करके ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट होंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसके हाफ में आएगी, सॉरी ये जो लाइन है ना ये कंप्लीट आपको आ जाएगी यहाँ पे, जैसे ये लाइन कंप्लीट आई है वैसे ही ये भी लाइन क्या आएगी, कंप्लीट आएगी, और फिर ये जो लाइन है वो क्रॉस करके यहाँ से मिलेगी और यहाँ से मिलेगी, यानी कि एक बॉक्स के अंदर कुछ एरो इस तरीके का बना होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इस क्वेश्चन मार्क में आपको ये बताना है कि इसका एक करेक्ट ऑप्शंस कहाँ होगा, कौन सा होगा। देखिए अगर आप इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं और ये इसको मैच कर देते हैं इसके अंदर, ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा राइट, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पैटर्न में एक्चुअल में है क्या। ये देखिए ये ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट होगा राइट, तो ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ आप देख पा रहे हैं यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी जो पैटर्न है आपको ये देखना है, फोकस करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए अगर अगर आप यहाँ पे देखते हैं चीजों को, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये लाइन जाएगी राइट, ना सिर्फ ये लाइन जाएगी बल्कि ये भी यहाँ से क्रॉस होगा राइट, और फिर उसके बाद से यहाँ पे भी आपको दिखेगा राइट, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर, तो ये कंप्लीट होगा राइट, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th के बारे में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12th के अंदर एक्चुअल में दिया क्या हुआ है, और कैसे हम इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा जिसके थ्रू आप इसको कंप्लीट कर पाओगे राइट, ये यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाएगा राइट, तो ये यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड अगर इसको कंप्लीट कर देते हो आप तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा राइट, ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही इसका एक परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो इजी वे में। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका वो कहीं ना कहीं जो ये जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये इसका परफेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वही इसका एक परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन आएगी राइट, यहाँ पे भी एक लाइन आएगी जो कि इसको कंप्लीट करती हुई जाएगी, और यहाँ पे भी एक लाइन आएगी जो इसको कंप्लीट करेगी राइट, इस बॉक्स को, तो ये जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा इस वाले बॉक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सबसे परफेक्ट और सबसे सही ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस में तीन प्रॉब्लम फिगर्स दिए हुए हैं और स्पेस दिया हुआ है फोर्थ वाली फिगर्स के लिए,
लेफ्ट ब्लैंक के अंदर, और सीरीज को कंप्लीट करना है, देखना है कि कौन सा जो फिगर है वो ऑक्यूपाई करेगा उस ब्लैंक स्पेस को, और कंप्लीट करना है और अपने आंसर्स को बताना है, इंडिकेट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16th के बारे में, कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 16th में क्या है, किस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है। उस पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके का इसके अंदर पैटर्न दिया हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट बॉक्स को देख रहे हैं तो ये वाला बॉक्स है, और सेकंड बॉक्स आपका ये वाला है, राइट। और इसका रिलेशन अगर आप देखो तो कम्प्लीटली ये इसका अपोजिट है, राइट। अगर ये एरो इस तरीके से आ रहा है तो ये एरो इसका इस तरीके से आ रहा है, यानी कि अगर ये वाला एरो इस तरीके से है तो यहाँ पे एरो इस तरीके से होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से अगर ये एरो इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका एरो इस तरफ से है, और ये इस तरफ से तो ये भी इस तरीके से है। ये अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एरो इस तरीके से होगा, और ये अगर इस तरफ से दिया हुआ है तो एरो इस तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ आप देख पा रहे हो ना, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि इसके अपोजिट की तरह है। उस पैटर्न को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो अपोजिट वाला पैटर्न बन रहा है, यानी कि उसका उल्टी इमेज बन रही है उसके सामने, तो कहीं ना कहीं मिरर इमेज का ये कॉन्सेप्ट है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का, राइट। देखिए यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे जो ये सर्कल है, दूसरी बार में ये सर्कल क्या हो पा रहा है, कंप्लीट हो पा रहा है, तीसरी बार में क्या हो रहा है, एक और सर्कल आ जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो चीजों चीजों को ध्यान से, अगर आप समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर चला जा रहा है, और ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। ये जो सर्कल क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है इसके अंदर आकर के ये कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। और ये जो सर्कल है वो यहाँ पे आ जा रहा है, जो नीचे की तरफ में। इसी तरीके से अगर ये ऐसे में दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरीके से आएगा, राइट। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं जो ये ऊपर की तरफ में ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है वो ये ऐसा होगा, और ये जो डॉट है वो इधर की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि इसमें शिफ्ट हो पा रहा है, इसको नीचे कर दे रहे हैं, तो राइट। तो अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट को नीचे कर दोगे तो जो डॉट होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ में चला जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसका एक परफेक्ट आंसर होने वाला है। आप उसके रोटेशन को देखिए तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी कि पहले वाले का रिलेशन इसके साथ में है, तो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा, इस तरीके का ही होगा जब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहली चीज कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है और ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कहीं ना कहीं रोटेट किया गया है, राइट। रोटेट किया गया है, और यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, राइट। तो ये सर्कल और ये जो चीज़ आपको दिख रही है वो रोटेट हो गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे हो चुके हैं, राइट। इसी तरीके से अगर ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ पे चले जा रहे हैं, यहाँ पे चले जा रहे हैं, मतलब कि ये रोटेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास में दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये सर्कल हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट की हम बात करें, जिसमें कि एक ये ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, राइट। और इसी तरीके से ये सर्कल भी हो जाएगा, राइट। तो अब ये देखना है कि आपका जो सर्कल और ट्राइंगल, फिर उसके बाद से ये दोनों ऑब्जेक्ट वो किस में मैच कर रहे हैं, और उसके बाद में अगर ये ब्लैक इस तरीके से है तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका ब्लैक कुछ इस तरीके से आना चाहिए, तो वो कौन से ऑप्शंस में आ रहा है ये आपको चेकआउट करना है, राइट। तो चीजें बहुत आसान है, आप इजीली देख सकते हो कि आप देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था, और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, और इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। आप रोटेशन को भी देखना है कि ट्राइंगल का मुंह यहाँ पे एक ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये रोटेट भी हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इनके आंसर्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर्स क्या होने वाला है। यहाँ पे ट्राइंगल इस तरीके से होगा तो ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से नीचे की तरफ में जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं,
और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा रोटेशन कि यहाँ पे एरो इस तरफ में है, तो दूसरी बार में एरो आपका इस तरफ में गया, तीसरी बार में इस तरफ में जा रहा है, तो चौथी बार में जो आपका एरो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारा एरो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एरो की जो लाइन है वो यहाँ पे नहीं है, राइट, यहाँ पे नहीं होगी, कॉर्नर पे नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ पे होगी, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि एरो की आप देखिए यहाँ पे एरो, यहाँ पे जो एरो जा रहा है ना, यहाँ पे जो एरो है वो उसकी लाइनिंग लास्ट में नहीं आ रही है, तो लास्ट में नहीं है इस वाले ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th के बारे में। तो आपको सिंपल सी बात है जो समझ में समझनी चाहिए कि सर्कल जो है वो यहाँ पे आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, राइट, ट्राइंगल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है और ये आपका सेकंड पोजीशन पे जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला है वो थर्ड पोजीशन पे जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो थर्ड वाली पोजीशन पे जाएगा और जो सेकंड पोजीशन पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि ये जो सेकंड पोजीशन पे आपको दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट पे आ जाएगा और जो ट्राइंगल है वो आपका मिडिल में चला जाएगा। तो जीरो ट्राइंगल और सर्कल ट्राइंगल और स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल और स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल और स्क्वायर, ये आपको देखना है, स्क्वायर बॉक्स सर्कल ट्राइंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21st के बारे में कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21st का। चीज़ें सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो चीज़ें आसान भी हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे 21st का, 21st में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वन लाइनर है, राइट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टू लाइन्स हो रही हैं, राइट, और ये जो लाइन्स हैं वो रोटेट हो रही हैं, यानी कि ये जो है तो यहाँ पे अगर बिंदी है तो ये हो जा रहा है, राइट, अगर ये चीज़ है तो ये ऐसे हो जा रही है, यानी कि तीसरी बार में क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये ऐसा है तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th की तरह बन जाएगा, कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं एक और लाइन से यहाँ पे बढ़ जाएंगी और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका ऐसे हो जाएगा और ये पॉइंट आपका इधर रहेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22nd के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है, किस तरीके का पैटर्न है, वहाँ पे राइट आंसर उसका क्या हो सकता है। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, यहाँ पे ट्राइंगल पे बस केवल फोकस करिए, ये ट्राइंगल आपकी बार यहाँ पे चला गया है, राइट, मिडिल में है तो यहाँ पे चला गया है और उसके बाद ये ट्राइंगल यहाँ पे आ गया है, तो चौथी बार में ट्राइंगल्स कहाँ पे जाएगा, वापस से रोटेट होकर के ये ट्राइंगल यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका कहाँ पे 4th वाला जो ऑप्शन है वही इसके अंदर एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th। केवल हमने ट्राइंगल पे फोकस किया, यहाँ से यहाँ पे रोटेट हुआ, यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ, तब यहाँ से यहाँ रोटेट होगा, राइट, तो रोटेशन की पॉलिसी को देखना है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कहाँ पे रोटेट होगा, यहाँ पे। तो रोटेशन को 4 पार्ट्स में आप समझोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, किसी भी रोटेशन को 4 पार्ट में रख लो कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, राइट, 1990 के कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन नंबर 23rd के बारे में बात करते हैं और यहाँ भी रोटेशन की ही पॉलिसी है, अगर आपने रोटेशन की पॉलिसी को समझ लिया 23rd वाले क्वेश्चन के अंदर तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा सही है, राइट। देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं चीज़ों को तो ये अगर यहाँ पे प्लस है, राइट, ये अगर आपका प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लस यहाँ पे हो जा रहा है और सर्कल आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक, रोटेट होकर के सर्कल यहाँ पे रोटेट होकर के आ गया, तो ये इसका रिलेशन बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसके रिलेशंस को फाइंड आउट करें तो कहीं ना कहीं ये जो प्लस है वो यहाँ पे हो जाएगा और ये जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, राइट, और बाकी सेम चीज़ें वैसे के वैसे रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यानी कि 23rd का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24th के बारे में बात करते हैं कि 24th का जो राइट आंसर है वो क्या है। 24th का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd, राइट, ऑप्शन नंबर
हार्ड होने वाला है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं तो इसका रोटेशन इस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं अगले वाले का भी रोटेशन किस तरीके से होगा, ऐसा होगा। ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड 24th। क्वेश्चन नंबर 25th के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 25th के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको इन डायग्राम्स के अंदर आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में डायग्राम्स किस तरीके से हो रहा है, राइट, किस तरीके से डायग्राम्स वर्क कर रहा है, राइट। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अगर आप इस डायग्राम को समझना चाहते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, कि यहाँ पे जो आउटर फेस है, जो इसका आउटर फेस है वो सेम है उसके माउथ की तरह, यानी कि जो इसका आउटर फेस जो दिख रहा है वो उसका माउथ है। यहाँ भी देखो, इसका जो आउटर फेस है वो उसका माउथ है, यहाँ भी जो उसका आउटर फेस होगा वो क्या होगा, उसका माउथ ही होगा। यानी कि जो आउटर फेस है, जो आउटर फेस इज अ सेम एज द माउथ ऑफ द प्रीवियस फिगर। पिछले आउटर जो फेस है वो पिछले फेस फेस का क्या है, वो उसका माउथ है, आउटर फिगर, राइट। और यहाँ पे देखिए, ये जो है वो उसका माउथ है, आउटर फिगर पिछले फिगर का। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम शेप का फेस क्या होगा, तो इस तरीके से अगर आउटर फिगर के हिसाब से अगर हम इसके पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे 25th वाले को, तो आप कह सकते हो कि इसके हिसाब से अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, ये वाला इसका एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट। अगर हम इसके रिलेशन को देखें तो ये वाला जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या होने वाला है। देखिए, ये और ये इमेज है ना, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो ये वापस में आपको सर्कल दिख रहा है तो यहाँ पे सर्कल ही आएगा, राइट। एग्जैक्टली इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26th के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपको समझ आ चुका है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 26th के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26th के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दो चीज़ें कवर हो रही हैं। कितनी कवर हो रही हैं, यहाँ पे दो लाइंस कवर होती हुई आपको दिख रही हैं इस वाले में, राइट। और दोनों चीज़ें जो कवर हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये जो दोनों साइड्स हैं उसकी तरफ में कवर हो रही हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26th के अंदर। देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 26th के बारे में बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 26th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी इस तरफ में भी क्या होगा, 3 साइड 3 लाइंस होने वाली है, राइट। तो इस तरीके से आप इसके ऑप्शंस को जज कर सकते हो और एक करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका एक करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, राइट। तो ये है इसका पैटर्न, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं और ये पैटर्न तो बहुत ही आसान पैटर्न है, अगर आप देखोगे चीज़ों को ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 से 1 लाइन यहाँ पे बढ़ रही है, 1 2 3, यहाँ पे 2 लाइन्स थी तो यहाँ पे 3 लाइन्स हो गई, यहाँ पे 4 लाइन्स तो क्या होगा, 5 लाइन्स होंगी। ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28th के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल बना है, यहाँ पे क्या बना, एक ट्राइंगल बन गया, राइट। यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, इसका रिलेशन ये हो गया। तो ये जो 28 वाले में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर इसका अगर हमें पैटर्न्स फाइंड आउट करना है तो ये जो पैटर्न है ना वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पैटर्न ऐसा हो जाएगा, राइट, और बस ये पैटर्न यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाएगा, राइट। तो हम इसका जो राइट आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है 28 का, वो आपका राइट आंसर होने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है 29th का, राइट। तो 29th का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ये हो गया इस तरीके से, करेक्ट, राइट। यहाँ पे फिर ये इस तरीके से हो गया रोटेट,
फिर ये नीचे की तरफ हो गया, तो चौथी बार में ये इस तरफ से होगा, राइट। ये पॉइंट को देखो, ब्लैक वाला जो पॉइंट है उसके रोटेशन को देखो, एक बार में इतना गया है, राइट। तो ये इस बार में ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये इस तरफ में आएगा, राइट, यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 30th के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 30th का क्या राइट ऑप्शन होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ये जो ऑप्शन है ये प्लस माइनस और ये दिया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ गया, ये बाहर चला गया है। इसी तरीके से अगर इसको हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है अगर हम इसको आगे कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे, तो ये मिडिल में हो जाएगा, ये मिडिल में हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा ये करेक्ट होगा, यानी कि प्लस माइनस प्लस ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसके बेसिस पर, राइट। तो ये आपको समझ आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 30th वाला, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31st से लेके 45 तक में प्रॉब्लम फिगर्स दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और क्या उनका रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड पिक्चर्स के बीच में, ये हमें जो एग्जिस्ट कर रहे हैं फोर्थ फिगर में वो हमें देखना है कि जो स्पेस बचा हुआ है उसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि उनका एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ पे इमेजेस का एक परफेक्ट क्या होने वाला है, तो ये इसका आप कह सकते हो कि यहाँ पे वाटर इमेज दिया हुआ है, वाटर इमेज इस तरीके से। तो यहाँ भी इसका अगर वाटर इमेज बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा बन जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट, यहाँ पे वाटर इमेज बन रही है। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका एक परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो पिक्चर है ना वो रोटेट हो रही है, राइट। यहाँ से इस पिक्चर को रोटेट किया गया है यहाँ तक, राइट। ये 180 डिग्री कम्प्लीटली फ्लिप हो रही है पिक्चर, 180 डिग्री फ्लिप हो रही है। तो ये जो पिक्चर की ये जो प्लस है वो इस तरफ आ जा रहा है, तो यहाँ भी अगर आप बॉक्स को देखें 150 डिग्री अगर फ्लिप करोगे तो हमारा प्लस इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो इस तरफ प्लस आने का मतलब आप, और ना सिर्फ प्लस इस तरफ आ रहा है बल्कि इसकी इमेज भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप ये जो देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो इसका होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको फ्लिप करने के बाद में यही आंसर आएगा, राइट। तो ये है इसका परफेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि वो रोटेट भी होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, फिर ये होगा, राइट। तो इस तरीके से वो रोटेशन उसकी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं और देखते हैं कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए 33 में अगर आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि ये क्या हो रहा है, इसके अंदर 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है वो, यहाँ से वो एंटी क्लॉक वाइज यहाँ तक तो घूमा, तो ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो इस तरीके से ये वाला इमेज बनेगा, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, उल्टी दिशा में घूम रहा है वो 135 डिग्री। और 135 डिग्री का मतलब आपको पता है ना, देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 135 डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ से अगर यहाँ तक कोई चीज़ जाती है तो वो 90 डिग्री होती है, और यहाँ से अगर वो यहाँ तक आती है तो 180 डिग्री होती है। लेकिन अगर वो इसके बीच में रह जाती है, 90 प्लस 45 यानी कि 135, यानी कि यहाँ से लेकर के इतना घूम रही है इसके हाफ तक, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ से हाफ तक जाएगी तो ये वाली इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं कि ये कंप्लीट क्या हो। देखिए बहुत सिंपल है, इन दोनों ही चीज़ों से मिल करके ये वाला बॉक्स बना है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। अगर एक ऐसा है और ये ऐसा है, दोनों को ज्वाइन करके ये बना दिया, तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सर्कल बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 34th के बारे में बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे 34th वाले क्वेश्चन को, तो आपको आंसर्स एग्जैक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। और ये होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर, ये जो सेकेंड वाला होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये 2 हो गया है, तो ये इस तरफ में झुक गया है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये इस तरफ में अगर हम 2 कर देंगे तो ये इस तरफ में झुक जाएगा, राइट, क्योंकि ये इसके इस तरफ में झुक रहा है, राइट। तो ये इसके उल्टी तरफ में झुकेगा, इस तरफ झुकेगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 34th का जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट ऑप्शन है। 35th के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है 35th वाले क्वेश्चन के अंदर। और ये अगर हम देखें, यहाँ पर
ये जो आपको दिख रहा है 35th वाले क्वेश्चन के अंदर, ये एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है और ये आपको एक ट्रेंगल का हाफ पार्ट दिया, मतलब ये इसका आधा हो गया। तो इसमें भी क्या करना है हमें, इसका हाफ करना है। यानी कि अगर आप इसका हाफ करोगे तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो इसका एक करेक्ट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 35th के लिए। क्वेश्चन नंबर 36th के बारे में हम बात करते हैं और ये इमेज देख करके आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस इमेज के जो पार्ट है ना वो इस तरीके से कंप्लीट होकर के ये बना है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे ये जो इमेज के पार्ट है ना कहीं ऐसे और ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। जब ऐसे और ऐसे कंप्लीट होंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके की इमेज दिखेगी ये, अगर नीचे की गायब कर देंगे यहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है। यानी कि पहली पिक्चर का दूसरी पिक्चर से रिलेशन को देखना है, फिर तीसरी का चौथी से रिलेशन क्या बन सकता है वो हमें प्रिडिक्ट करना है ऑप्शंस को देख करके। बहुत आसान चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 37th के बारे में बात करते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके अंदर सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर आपको शेडो दिए हुए हैं। दूसरी बार में क्या हो रहा है कि शेडो अंदर ही की तरफ में ही है, लेकिन ये जो ट्राइंगल है वो अंदर हो गया, ये सर्कल है वो बाहर हो गया। तो यहाँ भी क्या है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना अंदर, इसको बाहर करना है और स्क्वायर को अंदर करना है। सर्कल को बाहर, स्क्वायर को अंदर, ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो एक परफेक्ट आंसर है, राइट। स्क्वायर को अंदर, और ना सिर्फ स्क्वायर को अंदर बल्कि इनके पैटर्न को भी हमें देखना है कि क्या इनका पैटर्न सेम है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पैटर्न भी देखना है। इसका पैटर्न इस तरीके से होना चाहिए, जो शैडो का पैटर्न है उस पर भी फोकस करना, नहीं तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर फोर्थ पे या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे। हमें पैटर्न भी देखना है और सही क्या हो सकता है उस पर भी फोकस करना है। ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। यहाँ से डायरेक्टली वो 180 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये भी 180 डिग्री। अगर इसको रोटेट कर देंगे यहाँ से, अगर 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, इसको भी अगर हम रोटेट कर दें 180 डिग्री, तो क्या होगा। अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर आपको फोर्थ वाला दिख रहा है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमें 180 डिग्री रोटेट करना है, सिंपल सी कहानी है इसकी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 39th के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39th के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पहली वाली जो पिक्चर बनी हुई है, इनकी मदद से ही ये वाली पिक्चर बन रही है। एक्चुअल में वो कह रहा है कि ये जो सर्कल दिया हुआ है, ये जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के ऊपर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे आ जा रहा है, राइट। और ये जो आपको दो डॉटेड दिख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बन जा रहे हैं, राइट। तो ये पिक्चर बन पा रही है कंप्लीट। इसी तरीके से इसकी मदद से अगर हम देखेंगे तो हमारी कौन सी पिक्चर होगी, सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये स्क्वायर बॉक्स होगा, और ये जो आपको दिख रहा है वो यहाँ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपको थर्ड दिख रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप देख पा रहे हो कि पहली चीज की ये जो पिक्चर है वो रोटेट हो रही है, और रोटेट कैसे हो रही है, कंप्लीटली 180 डिग्री रोटेट हो पा रही है, क्लॉकवाइज कह सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कहो। और ये जो शेडो लाइन है वो शेडो लाइन हट जा रही है, और ये जो डॉट आपको जो सर्कल दिख रहा है छोटा सा, ये बिल्कुल फिल हो पा रहा है। इसी तरीके से ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये 180 डिग्री रोटेट होगा। जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो कुछ इस तरीके से इमेज उसकी आ जाएगी, 180 डिग्री रोटेट होगा तो। लेकिन ये जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है अंदर की तरफ में, ये जो वाइट बॉक्स दिख रहा है ये कहाँ होना चाहिए, ये बाहर होना चाहिए जैसा कि इसमें भी बाहर हो रहा है, और ये व्हाइट वाला क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसका सही आंसर हो सकता है और थर्ड भी, क्योंकि दोनों ही इमेज कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। दोनों ही इमेज क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41st के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिगर है, इस प्रॉब्लम फिगर में आपको ये इमेज देख पा रही है, ये किस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ से इस तरफ देख पा रहा है, राइट। ये इसकी इमेज बन जा रही है कंप्लीटली। तो ये क्या होगा, जब ये इस तरफ से बना हुआ है तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से बनेगा, राइट। और ये जो इस तरीके से, अगर इसको भी रोटेट करेंगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये अगर इस तरीके से है तो इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बनेगा
तो ये कौन सी इमेज है जो इसके जैसे मिलती जुलती है, आप इन चारों ऑप्शंस में से देखिए। तो 41 का ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो सेकंड वाला जो है वो इसका एक राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये जो बड़ा वाला है वो दिख रहा है, वो तो सेम है लेकिन ये कम्प्लीटली रोटेट हो जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से ये जो बड़ा वाला एरो है ये तो सेम होगा लेकिन ये जो दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं ये रोटेट हो जाएंगी। तो अगर ये बड़े वाला इमेज सेम होगा, ये रोटेट हो जाएंगी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि 42 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 के बारे में बात करते हैं और आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कि ये जो क्रॉस, ये जो प्लस की लाइन आपको दिख रही है, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर यहाँ पे छोटा हो जा रहा है कम्प्लीटली, राइट। और इसी तरीके से अगर ये जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस, इस क्रॉस में हम सर्कल को छोटा कर देंगे तो ये जो ऑप्शन है सेकेंड वाला, ये 43 का सेकेंड ऑप्शन है, वो जो सही आंसर होगा वो सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। पैटर्न को समझते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, चीज़ें बहुत आसान हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है वो बिल्कुल रोटेट हो रहा है, रोटेट होकर के कुछ ऐसा हो रहा है, और ना सिर्फ ऐसा हो रहा है बल्कि ऐसा ही हो रहा है, ये घूम भी रहा है, राइट। तो ये रोटेट हो रहा है ना, रोटेशन इसकी चल रही है लगातार। तो अगर इसको हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो रोटेट होने के बाद ये जो स्क्वायर बॉक्स है वो किसकी तरह दिखेगा, तो रोटेट होने के बाद जो स्क्वायर बॉक्स है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा, राइट। इसमें भी आपका कुछ इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो, राइट, इस तरीके से और इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको एक एरो और ये डॉट्स दिख, ये लाइन आपको दिख रही है। इसी तरीके से अगर ये जो एरो दिख रहा है इसका एक परफेक्ट लाइन कैसे बनेगी, तो आप देखिए रोटेट हो रहा है कम्प्लीटली, राइट। अब ये रोटेट होके कैसा बन रहा है, ये जो एरो है ठीक इसके नीचे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, ये जो लाइन है उसके ठीक नीचे आपको एक लाइन दिखेगी और ये जो एरो है यहाँ पे दिखेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसके अंदर एक, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं बल्कि ये इस तरीके से बनेगा थर्ड वाले के अंदर, क्योंकि ये लाइन ऐसे है ना, वर्टिकल ना होकर के ये हॉरिजेंटल लाइन है इस वाले इमेज में, तो कहीं ना कहीं इसकी भी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, हॉरिजेंटल बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ना होकर के ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं 46 से लेकर के 60 तक में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये स्क्वायर बॉक्स को हमें कंप्लीट करना है और ताकि हम इसको एक परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। यानी कि जिस तरीके से एक जो पेन होता है, राइट, मैंने हर बार एग्जांपल दिया है हर एक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें, कि मान लीजिए ये आपके पास पेन है और ये अलग चीज़ है, राइट, और इसको आपको कंप्लीट करना है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये ऑप्शन कहाँ पे है ताकि ये कंप्लीट बॉक्स आपका बन करके तैयार हो जाए, राइट। तो वैसे ही क्या करना है आपको, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है आपको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो चीज़ें बहुत आसान है, अगर आपको स्क्वायर बनाना है कंप्लीट, तो आप देखिए ये स्क्वायर मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन है ना आप इजीली सॉल्व करोगे। आप देखिए ये जो है ना, आप मैंने थोड़ी आपको क्या करना है, पेपर में ही पेंसिल से कुछ इस तरीके से स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करना और फिर देखना है कि ये वाली जो इमेज हमने बनाई है वो कौन से ऑप्शंस में करेक्ट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर आप 46 को देखोगे, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली यही वाली बन रही है, राइट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 47 वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि 47 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, राइट। देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपको ये जो बाउंड्रीज लाइन है इस पे फोकस करना है, राइट। और ये बाउंड्री लाइन ऑप्शन नंबर थर्ड की तरह बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका कंप्लीट होगा ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनने वाला है, ये आपको फोकस करना है, राइट। तो सबसे पहले तो इसका अगर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है 48 वाले क्वेश्चन के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज़ कि
यहां से एक लाइन आएगी राइट, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, और फिर ये जो लाइन है इस तरीके से जा रही है, ये कुछ इस तरीके से इमेज बन रही है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल उसको मैच करेगा, और यही इसका एक परफेक्ट और सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं 49th वाले क्वेश्चन के बारे में कि इसका एक परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए 49th वाले क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सिंपल सी चीज दी गई है, जिससे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ इस वाले बॉक्स को राइट, तो ये कुछ इस तरीके से बॉक्स आपका कंप्लीट होगा राइट, और यहाँ पे ये इस पिक्चर्स को बनाओगे कुछ इस तरीके से, तो ये वाली जो सेकंड वाला ऑप्शन है, 49th का जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो इसको फिट करने के बाद में ये कंप्लीट एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी हमें स्क्वायर बॉक्स अगर बनाना है 50 वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आपको देखना होगा, समझना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी और फिर ये ऐसा आ जाएगा राइट, और इस तरीके से जो बाउंड्री दिख रही है वो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दिख रही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही इसका एक परफेक्ट आंसर है। स्क्वायर बॉक्स वाले क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल 100% सही कर सकते हो, केवल आपको वहीं पे ड्रॉ करके देखना है कि क्या इसका स्क्वायर बनेगा राइट, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, और फिर इनकी बाउंड्रीज जो है वो इसको सेट कर लो आप, पता चल जाएगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसमें सही होगा 51 वाले क्वेश्चन के अंदर। इसी तरीके से 52 वाले क्वेश्चंस को भी हमें स्क्वायर बॉक्स बनाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो 52 वाला जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये स्क्वायर यहाँ तक आएगा राइट, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से जाती हुई लाइन दिख रही है, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपको दिख रही होगी राइट, तो यही इसका एक सही और परफेक्ट आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। 53 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे 53 वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ पे चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी कि ये जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है राइट, तो ये जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54th के बारे में कि इसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा, 54 वाले क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर क्या होगा 54 वाले आंसर का राइट। देखिए 54 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से ये जो लाइन आपको दिख रही है उसके अंदर जो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये परफेक्ट इसका स्क्वायर को कंप्लीट करेगा राइट। तो इस तरीके से हम इनके आंसर्स को इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। और अगर हम 55 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके आंसर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्क्वायर बॉक्स हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर आप देखोगे कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर अगर हम थर्ड के बारे में बात करें, तो एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है, यहाँ से अगर हम स्क्वायर को बनाएं तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड को एग्जैक्टली मैच कर रहा है राइट। ऑप्शन नंबर 55 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। 56th के बारे में बात कर लेते हैं, और 56th का जो आंसर है अगर आप देखो, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आएगी, और ये कुछ इस तरीके से, और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इस तरीके का है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही दिख रहा होगा आपको, तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा 56th वाले का। इसी तरीके से 57 के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ भी सेम, ये जो एम इसकी बाउंड्रीज बनाओगे तो इस तरीके का शेप बनेगा, तो 57th का जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरीके से 58 वाले की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर्स क्या हो सकता है। तो 58 वाले का अगर आप आंसर्स को परफेक्ट समझना चाहते हैं, ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही इसमें एक परफेक्ट आंसर होने वाला है। 59 वाले की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये इसका एक परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो इसका एक सही आंसर होगा। अगर हम 60 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, तो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये इसका एक परफेक्ट आंसर होगा 60th वाले क्वेश्चन के अंदर राइट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एग्जैक्टली ये जो चीज़ आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं ये आपका एक परफेक्ट आंसर नंबर सेकेंड होगा राइट। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 60 तक के हमने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि रीजनिंग के जो हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, और 2006 का ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं,
और अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस होने वाले हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स के। द डिफरेंस यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू ऑफ अ 4 इन द नंबर। आपको नंबर दिया हुआ है, और इस नंबर में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। और आपको प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो भी 4 का। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 4 1 2 3 0, यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे। 4 में कितने जीरो लगेंगे, 4 में लग जाएंगे 4 जीरो, राइट। और इसको माइनस करना है इसमें से 4। जब आप इसमें से 4 को माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं जो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 9, ये 9 और ये फिर 9, फिर ये 3, राइट। तो ये 39,996 यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका एक परफेक्ट और सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स। देखिए 7 चेयर्स की जो कॉस्ट है ना, हमें नहीं पता चेयर्स की कॉस्ट कितनी है, तो 7 चेयर्स की जो कॉस्ट है वही कॉस्ट इक्वल है किसके, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, 2 टेबल्स की कॉस्ट के इक्वल है। तो 2 टेबल्स की कॉस्ट के इक्वल क्या है, 7 चेयर की कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 1050, तो चेयर की कॉस्ट क्या होगी, राइट। द कॉस्ट ऑफ टेबल्स इज 1050। अब 1050 है ना वो टेबल की कॉस्ट है, तो हमने क्या किया, 2 into 1050। जब हमने 2 into 1050 किया तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2100 हो जाएगा। अब ये 2100 क्या है, ये 7 चेयर्स की कॉस्ट है। कितनी चेयर्स की कॉस्ट है, 7 चेयर्स की कॉस्ट है। हमें फाइंड आउट करनी है एक चेयर की कॉस्ट, तो एक चेयर की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए 2100 में से हम डिवाइड कर देंगे 7 को, तो 7 3 21 यानी कि 300। आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो 300 आएगा। आपको बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर्स को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में, कि आउट ऑफ द टोटल 250 मार्क्स द स्टूडेंट्स गॉट 30% मार्क्स एंड द फेल्ड बाय 25%, द मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग इज। ठीक है, 250 मार्क्स में से एक स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले हैं और वो 25 मार्क्स से फेल हो गया है, तो आपको बताना ये है कि उसके पासिंग मार्क्स क्या था। सिंपल सी बात है, 250 का सबसे पहले हमें देखना है 30% कितना होगा। 250 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 30/100 लिखूंगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 25 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा 75 हो जाएगा, राइट। यानी कि 30% जो मार्क्स हैं वो 75 के बराबर हैं। 30% मार्क्स में बोलूं या 75 मार्क्स बोलूं, दोनों ही बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि उसको 30% मार्क्स मिले हैं और वो 25 नंबर से फेल हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 75 में अगर उसको 25 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। यानी पासिंग मार्क्स कितना था हमारा, 100 मार्क्स का था। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले हमने 30% निकाला तो हमें ये पता चल गया कि 30% किसके इक्वल में है, और पासिंग मार्क्स वो 25 मार्क्स से फेल हो रहा है। यानी कि 25 मार्क्स अगर और उसको मिल जाते तो उसके 100 हो जाते, और 100 ही इसका पासिंग मार्क्स है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल की जो वैल्यू है करेक्ट अरेंजमेंट देखना है, फ्रैक्शन का करेक्ट अरेंजमेंट, वो भी असेंडिंग ऑर्डर्स में। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं और अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप फ्रैक्शन को अरेंज करना चाहते हो और उसके पूरे जो आपको न्यूमरेटर सेम दिख रहे हैं, जिसमें कि 17 इसमें भी दिख रहा है, 17 इसमें भी दिख रहा है, 17 इसमें भी दिख रहा है और 17 यहाँ भी आपको दिख रहा है, राइट। तो जब उसके न्यूमरेटर सेम होते हैं तो नीचे वाले नंबर में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही नंबर सबसे छोटा कहलाता है। यानी कि 27
सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में बात करूं तो सबसे छोटा नंबर 17/27 होगा, उसके बाद नंबर होगा 17/25, उसके बाद नंबर होगा 17/19, फिर उसके बाद नंबर होगा 17/13, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है कंप्लीटली 17/27, 17/25, 17/19 और 17/13, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 27, 25, और इसी तरीके से ये ऑप्शंस आपको करेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इस ऑप्शंस में आप देखिए कि कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कि 17/27, फिर 17/25, फिर 17/19, 17/13। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है क्वेश्चन को और फ्रैक्शन में अगर आपको दिख जाए कि ऊपर के नंबर बिल्कुल सेम है, तो नीचे में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही नंबर सबसे सबसे छोटा नंबर कहलाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है, और सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि बोडमास रूल से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बोडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना होता है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम जिस ब्रैकेट को ओपन करते हैं वो हमारा सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है, उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है, 12/5 दिया हुआ है, राइट। 12/ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है ना वो प्लस का साइन है, सॉरी उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है 98 माइनस, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, 65 है, और 65 के बाद डिवाइड का साइन है, राइट। और 65 में डिवाइड का साइन होने के बाद फिर ये 32 है, और 32 के बाद फिर है माइनस, और ये है 12/5, ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 98 माइनस ब्रैकेट के अंदर 65 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 32 और माइनस 17, 32 माइनस 17, राइट। तो आप देखोगे ये होगा 98 और ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड, 32 में से 17 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये 50 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, राइट। अब हम 98 यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो 98 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80, -80, राइट। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, 18 आएगा यहाँ पे आंसर, राइट। तो 18 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आपको देखना है ध्यान से कि ये जो डिवाइड जहाँ पे दिया है वहां पे क्वेश्चन में प्लस है। देखिए फिर से मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 98 माइनस, और ये ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है 65, फिर प्लस का साइन है ये, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 32, फिर माइनस, फिर दिया हुआ है ये 12/5, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है। तो देखिए 98 है सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद माइनस है, यहाँ पे 65 है और प्लस, सबसे पहले तो 35, और इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो माइनस का 17 हो जाएगा, राइट। माइनस का 17 होने के बाद ये हो जाएगा 98 माइनस, ये हो जाएगा 65, और ये प्लस का साइन, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 15 हो जाएगा। सो 90 माइनस, और ये हो जाएगा 80, राइट। 98 माइनस 80, 98 माइनस 80 हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 65 के बाद 66 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है 66 वाले क्वेश्चन के अंदर। अ पर्सन बाय अ 60 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर डजन एंड सेल देम टू रेट ऑफ 24, व्हाट परसेंट ही मेक्स। देखिए उसने 60, सबसे पहले तो संतरे खरीदे, 60 संतरे खरीदे वो भी 21 रुपये के पर डजन के हिसाब से, मतलब 12 पर डजन के हिसाब से उसने खरीदे, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर एक डजन की हम बात करते हैं,
जब भी हम एक डजन की बात करते हैं तो उसमें 12 चीजें होती हैं, राइट। तो ये 60 ऑरेंज का मतलब क्या हुआ? 60 ऑरेंज का मतलब हो गया, 60 को अगर डिवाइड करेंगे तो 60 को अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो ये 5 डजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 डजन, राइट। एक पर्सन ने 5 डजन चीजें खरीदी, कितने डजन? 5 डजन चीजें खरीदी और 1 डजन की कीमत 21 रुपए है, तो 5 डजन की कीमत कितनी हो जाएगी? 21 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 5 डजन की कीमत आ जाएगी ऑरेंज की। तो ये हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया और ये 105। ये 105 क्या आ गया? 105 आ गया 5 डजन की कीमत। लेकिन वो तो कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी, लेकिन वो सेल कितने में कर रहा है? इसी 5 डजन को वो सेल कर रहा है 24 रुपये के हिसाब से, 24 रुपये के रेट के हिसाब से वो सेल कर रहा है। यानी कि इसका जो रेट है वो 24 का है, यहाँ पे क्या है, 24 का रेट है इसका। एक सेकेंड, जो बेच रहा है जब वो, तो 24 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 5 × 24 हम यहाँ पे कर लेंगे, 5 × 24 यहाँ पे करेंगे, तो 5 × 4 = 20, कैरी 2, 5 × 2 = 12, 5 × 2 = 10 और ये 12, 120। 120 में वो सेल कर रहा है और खरीदा कितने में था? 105 में, राइट। 105 में उसने खरीदा और 120 में उसने सेल किया। कितने में सेल किया? उसने सेल किया 120 में, 105 में खरीदा और 120 में उसने सेल किया है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको प्रॉफिट हो गया ये 15 रुपीज़ का। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? उसको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा वो प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज़ होगा। आपको समझ आ चुकी होंगी चीज़ें। सबसे पहले तो 60 ऑरेंज है, या तो सबको आप ऑरेंजेस में चेंज करके निकालो या तो सबको डजन में चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया, डजन में चेंज कर दिया। तो 60 ऑरेंज का मतलब हुआ 5 डजन, और 5 डजन की जो कॉस्ट आई है, 5 डजन जो ऑरेंज हैं उनकी जो कॉस्ट आई है वो 105 आई है, इतने की वो पड़ी है उसको। जब वो बेच रहा है तो 5 डजन बेचेगा कितने? 24 रुपये के हिसाब से, राइट। तो 24 रुपये के हिसाब से अगर बेचेगा तो आप कह सकते हो कि उसको उसने बेचा 120 रुपये में, और 115 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा, यानी कि 15 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो। देखिए 60 डजन में होते हैं, 60 डजन में होते हैं, सॉरी 60 ऑरेंज का मतलब हुआ, 60 ऑरेंज का मतलब क्या हुआ? 60 ऑरेंज का मतलब हुआ 5 डजन, राइट। तो 1 डजन पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 21 रुपये में बेच रहा है 1 डजन, और 24 रुपये में दूसरा डजन बेच रहा है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 रुपये का है। 1 डजन में 3 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, तो 5 डजन में कितने रुपये का प्रॉफिट करेगा? वो 15 रुपये का प्रॉफिट करेगा। तो आंसर भी इससे भी निकाल सकते हो कि प्रॉफिट ऑफ 15% इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जिसमें हमें दिया हुआ है अ पर्सन लैंड्स 1500 फ्रॉम अ बैंक इफ अ बैंक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 11% पर एनम द अमाउंट हैज टू पे आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। उसने 1500 रुपये उधार लिए हैं तो उसका ब्याज कितना होगा पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, राइट। वो फिक्स्ड है ब्याज दर उसकी, राइट, कंपाउंडेड नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये हो गया आपका 1500, और 1500 में ये 11% 2 साल के लिए, ये हो गया आप 1 में 100, राइट। 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 11 में 15 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 11, 11 5 = 55, 11 1 = 1 और 11 6 = 165। 165 आपका ये इंटरेस्ट पे करना है। कितना पे करना है? ये इंटरेस्ट पे करना है। तो 1500 में अब हमें क्या करना है, 165 को प्लस कर देना है। 1500 में 165 को प्लस कर देना है, 1500 में 165 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1665 इसका जो होगा वो इसका परफेक्ट आंसर होगा 1665, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने कर दिया मिस्टेक, क्योंकि 2 यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो 1500 दिया हुआ है इसका, 1500 के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 15 का हमने मल्टीप्लीकेशन ही नहीं किया है। 1500 × 11% का रेट है 2 सालों के लिए, राइट। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट कितना, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया,
15 2 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 2 30 राइट, और 30 में 11 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया जो आपको पे करना है राइट, और जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका हो जाएगा 1500। अगर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको इतना अमाउंट देना है, पहली बात तो 0, ये 3, ये 8, ये 1, 1830, 1830 रुपीज़ आपको पे करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1500 रुपये को अगर 11% के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 साल में जो उसका ब्याज होगा वो 330 रुपये है। ब्याज तो आपको देना ही देना है, बल्कि जो आपने पैसे लिए हैं 1500 रुपये उसको भी वापस करना है। तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया, 1830 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट है। 68 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ 66.068 करेक्ट टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 अगर आपको देखना है तो कहीं ना कहीं ये यूनिट होता है, ये 10 होता है, तो 66 है तो इसको 70 हम लिख सकते हैं राइट। तो नियरेस्ट 10 इसका क्या होगा, 70 होगा इसका नियरेस्ट 10 राइट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कॉर्टयार्ड इज 200 मीटर, तो एरिया उसका क्या होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 × साइड। आप समझना ध्यान से, 4 × साइड होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, और ये हमें दिया हुआ है 200। यानी कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो हमें दिया हुआ है, यानी कि 4 × साइड जो है ना वो हमें दिया हुआ है। यानी 4 × साइड का मतलब क्या, पेरीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 200। तो अगर हमें साइड फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, 200 में 4 का डिवाइड कर दूंगा तो 450, ये 50 आंसर हो जाएगा। तो ये जो 50 जो आंसर हुआ ना ये साइड आया है, लेकिन हमें निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड, यानी कि 50 × 50, ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, और 2 0 लगा दो तो 2500 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2500, अच्छा 2500 मीटर नहीं होगा, स्क्वायर मीटर होगा। क्या होगा, स्क्वायर मीटर आंसर, क्योंकि यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर मीटर इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो 69th का जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, 69th का राइट। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70th के बारे में कि क्या इसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का राइट। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 70 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 50 × 5 × 0.05 राइट। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो 5 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 5/100 राइट, 5/100 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5 2 10। तो 25/2, 25/2 का मतलब क्या हुआ, 25/25 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे, 25 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 1 2 और ये 1 और 5, 2 2 4 और ये 1 राइट, फिर पॉइंट, फिर 5, यानी कि 2 5 10, तो 12.5 हो जाएगा। तो 12.50 ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट, वही वही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाले डिवाइड जो है वो आपको आना चाहिए, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ जाता है, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट स्लीप 9:30 एंड गॉट अप 4:45, फॉर हाउ मच टाइम स्टूडेंट स्लीप। देखिए 9:30 PM पे वो सोया है, रात में 9:30 पे सोया है। अच्छा वो सुबह जग गया 4:15 पे, कितने बजे जगा, 4:15 पे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर वो 4:30 पे जगता, देखिए अगर 30 टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो 30 पे खत्म करोगे तो आपको इजी होगा कैलकुलेट करना। तो 9 के बाद से 10 11 12 राइट, ये 3 घंटे ये हो गए और 4 घंटे वो हो गए, 12 और ये 4 घंटे ये हो गए, कितने हो गए, टोटल 7 घंटे हो गए। 7 घंटे कब होते कंप्लीट, अगर वो 4:30 पे जगता, अगर वो 4:30 पे जगता तो कंप्लीटली 7 घंटे होते, लेकिन वो 15 मिनट पहले जग रहा है, 4:30 पे ना जग करके वो कितना,
4:15 पेज अगर है, यानी कि इसमें से हमें 15 मिनट माइनस करना होगा। अगर ये बताओ कि अगर 7 घंटे में से 15 मिनट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 6 घंटे 45 मिनट बचेगा। तभी तो 6 घंटे 45 मिनट बचेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो 3 वाला जो ऑप्शन है, 6 घंटे 45 मिनट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप चाहो तो 3:30 तक भी निकाल सकते हो, तो वो 6 घंटे हो जाएंगे, और 3:30 के बाद 4:15 यानी कि 45 मिनट ज़्यादा। 9:30 से आप 3:30 तक अगर निकालते हो तो ये 6 घंटे हो गए आपके, और 3:30 से 4:15 का निकाल लो तो ये 3:30 से 4:15 का निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 45 मिनट। तो 6 घंटे 45 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। तो आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो अगर उसी को कैलकुलेट करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान होती है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अ ट्रेन लिव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 एंड ट्रेवल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स, तो डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर बाय, तो वो कितने बजे वो डिस्टेंस को कवर कर लेगी ये आपको बताना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं भी टाइम को फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस है आपका 120 और आपकी जो स्पीड है वो आपको पता है 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें 80 का डिवाइड कर देंगे। अगर आप 0 से 0 को कैंसिल आउट करते हो और 4 3 12 और 4 से 2 को 8 कैंसिल आउट करते हो तो ये 3/2 होगा, 3/2 आवर्स होगा। 3/2 आवर्स का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? 3/2 आवर्स का मतलब होता है ये 1 घंटे 30 मिनट का समय होता है। क्या होता है? 1 घंटे 30 मिनट का ये समय होगा, राइट। कितना हो जाएगा? 1 घंटे 30 मिनट का समय होगा। कैसे? देखिए अगर मैं इसको 3/2 आवर्स को, अगर मैं 3/2 आवर्स को 3/2 आवर्स को मिनट में चेंज करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बार में हो जाएगा, यानी कि 90 मिनट्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 मिनट्स। और 90 मिनट्स को अगर आप आवर्स में चेंज करेंगे तो 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट्स, और बाकी जो 30 मिनट बचे ये 1 आवर 30 मिनट्स हुआ, 1 घंटे 30 मिनट। अच्छा, 1 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा ये तो आपको पता चल चुका है, लेकिन वो स्टार्ट कर रहा है 10:50 पे। आप क्वेश्चन में देखोगे 10:50 पे वो स्टार्ट कर रहा है, और इसमें 1 घंटे 30 मिनट का समय अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? आपको खुद समझ में आना चाहिए, ये 0 और ये 80 मिनट्स हो गया ये, और ये हो गया 11, 11 घंटे 80 मिनट। लेकिन ये 80 मिनट क्या हो रहा है? 60 से ज़्यादा हो रहा, तो हम इसको कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 60 70 80 20 मिनट्स ये बच गया, राइट। तो 60 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। तो अगर हम इसको करेंगे, आप ऐसा समझिए कि 10:50 हो रहा है यहाँ पे समय, और 1 घंटे 30 मिनट उसमें प्लस करना है, राइट। 10:50 से वो स्टार्ट कर रहा है, उसमें प्लस करना है 1 घंटे 30 मिनट, राइट। तो आप प्लस कर लो, अगर 10:50 में अगर 1 घंटे प्लस कर दोगे तो 11:50 हो जाएंगे, 11:50 हो जाएंगे, और 11:50 में अगर 30 मिनट और प्लस कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा समय? 12:20 होगा, यानी कि 12:20 PM जो है इतना जो होगा ट्रेवल्स वो टाइम हो रहा होगा, 12:20 पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये है कैलकुलेशन, आपको समझ आई होगी, टाइम की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। व्हाट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ टर्म 9 एंड 16 विल बी, 9 और 16 का आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत आसान होता है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ए रेशियो बी, है ना, प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, राइट। यानी कि अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप ऐसा करते हो a/b = b/c, राइट। तो 9/, अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है मतलब बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो b² = क्या हो जाएगा? a × c हो जाएगा। और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, b² की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि 9 × 16 हो जाएगा। और बी फाइंड आउट करना है मतलब अंडर रूट में हो जाएगा 9 और 16। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और ये 16 4 का स्क्वायर है, यानी कि बी की वैल्यू फाइंड आउट करना 4 × 3 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 2 4, राइट, और उसके बाद 6 8 और 10, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इनका एवरेज क्या होगा? इन सबको प्लस करके
इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो तो इनका एवरेज आएगा 6। इन सबको अगर प्लस कर दोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 राइट, 8 + 10 / 5 ये हो जाएगा आपका 30 30/5 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। या आप सिंपल भी कह सकते हो अगर इन कभी भी किसी भी एवरेज के बीच में अगर आपको सेम डिफरेंस दिखे, इनके बीच में दो का डिफरेंस, इनके बीच में दो का डिफरेंस, इनके बीच में भी दो का, इनके बीच में भी दो का डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम हो तो सबसे बीच में जो नंबर होगा ना वही आंसर होता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है। तो क्वेश्चन देख करके आपको अपनी अप्रोच समझनी पड़ेगी कि क्या एक करेक्ट आंसर क्या होगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक मोटरिस्ट ड्राइवर है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और टाइम ले रहा है 4 घंटे 6 मिनट का घर तक पहुंचने में। द डिस्टेंस ट्रेवल द डिस्टेंस कवर्ड बाय रीच्ड हाउस इज, उसको वो कितने किलोमीटर का ट्रेवल कंप्लीट कर लेगा। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। और अगर आप डिस्टेंस के फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो स्पीड है वो 80 की है और जो टाइम आपको दिया हुआ है वो 4 hours 6 minutes का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप 4 hours का टाइम निकालिए, फिर 6 minutes का हम अलग से निकाल लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और आप उसके आसपास भी पहुंच जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आवर्स में दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 किलोमीटर कवर कर लेगा वो कितने में, 320 किलोमीटर कवर करेगा वो कितने में, वो कवर करेगा 4 घंटे में। अब हमें 6 मिनट का निकालना है, अगर आपको 6 मिनट का फाइंड आउट करना है कि 6 मिनट में वो और कितना कवर करेगा तो 6 मिनट का फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो ये 6 6/1 hour में होते हैं 60 मिनट्स है, तो ये 60 × 80 इसको सॉल्व कर लो तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो 8 आ जाएगा, 8 मिनट और 8 किलोमीटर और प्लस कर दो राइट, तो 328 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए अगर आपको डाउट है 75th वाले क्वेश्चन में, देखिए कभी भी अगर आपको डाउट आता है ना किसी भी क्वेश्चन में तो तरीका बहुत सिंपल है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना है, व्हाट्सएप करना है, आपको डाउट तुरंत आपके क्लियर कर दिए जाएंगे राइट। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 घंटे 6 मिनट की कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करना है कि इसकी स्पीड क्या होगी राइट। तो अगर 1 घंटे की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे की स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे की स्पीड है और आपको 4 घंटे की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आपको भी पता है कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड में टाइम का कैलकुलेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी स्पीड है 80 और टाइम हमारा दिया हुआ है कितना, टाइम हमारा दिया हुआ है 4 hours, तो ये हो जाएगा 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर किसका आया, ये 4 घंटे का है। अब हमें 6 मिनट का और फाइंड आउट करना है तो 6 मिनट का अगर और फाइंड आउट करना है हमें तो हमें 6 मिनट का अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले तो मुझे या तो इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा या तो जो आवर है उसको मिनट में या जो 6 मिनट है उसको आवर्स में चेंज करना है। तो 6 मिनट को अगर आवर में चेंज करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 6/60 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80 से चूंकि 80 किलोमीटर है तो ये 0 से हमारा 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये 8 बच गया। तो 320 में 8 को प्लस कर दोगे 328 आ जाएगा, ये 6 मिनट का, 6 मिनट में 8 किलोमीटर जा रहा है राइट। तो इस तरीके से जो आंसर होगा हमारा 328 किलोमीटर आया, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करते हैं कि 50 lakh 5050 न्यूमेरल में हम कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है, 50 lakh, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लोगे तो कभी गलती नहीं होगी, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 राइट, लैख और 10 लैख, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50 lakh, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50 lakh। अब लिखा है 5,000 तो 1,000 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5,000 राइट, 5,050 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ भी 0 लग जाएगा, तो आप देखो 5,000 5,050 इसका आंसर होगा, 500 ये 50 50। ऑप्शन नंबर सेकंड,
ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105, 105 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? देखिए 105 का अगर आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो 105 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, तो ये 35 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि 3, 5, 7 ये इसके प्राइम नंबर्स होंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, 3 है राइट, और द नंबर ऑफ फैक्टर इज 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो इसका प्राइम फैक्टर्स होगा राइट, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105 कितने इसके फैक्टर हैं, सॉरी कितने इसके फैक्टर हैं, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर है राइट। अगर पूछता कि इसमें से कौन सा इसका प्राइम फैक्टर है, ये नहीं पूछा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, इसके 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, एक तो 3 है, एक 4, एक 3 है, एक 5, एक 7 है, टोटल 3 नंबर है। तो ये थर्ड वाला जो थर्ड जो लिखा हुआ है सेकेंड वाले ऑप्शन में वही सही है। डेसिमल फॉर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 78 को राइट। तो डेसिमल फॉर्म्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चीजें बहुत सिंपल है। 185 दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो कैंसिल आउट करोगे अगर 185 यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, और यहाँ पे 37 दिया हुआ है, और 500 दिया हुआ है राइट। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें हमें एग्जैक्टली समझ में आएगी कि ये नंबर किससे कैंसिल आउट होगा। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा ये नंबर राइट, और 20 बार में अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 8 बार में नंबर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 185 का हम 8 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 185 का अगर 8 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 1480 हो जाएगा, और 37 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 370 हो जाएगा। 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, अगर हम 37 को 148 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 आंसर आ जाएगा, 4.0, यानी कि ये 4.0 जो है वो इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चीजें बहुत सिंपल है। एन ओल्ड टेबल वॉज परचेस्ड ₹180, ₹20 फॉर स्पेंड ऑन रिपेयर। देखिए 180 रुपये की एक पुरानी टेबल खरीदी, उस पर ₹20 उस पर खर्चा किया रिपेयर करने में, तो टेबल की जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई ₹200, और उसको बेचा गया 20% के प्रॉफिट पे, तो 200 का हम प्रॉफिट निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, इस 20%, 200 का 20% कितना हो जाएगा, 200 का 20% हो जाएगा ₹40, यानी कि उसने बेचा कितने में, खरीदा उसने ₹200 में, उसने बेचा कितने में, अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो इसमें ₹40 और प्लस कर देंगे राइट, तो कितना हो जाएगा, ₹240 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी राइट। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज सेलिंग सेलिंग प्राइस राइट। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिस सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पे जितना उसका प्रॉफिट हुआ वो सेलिंग प्राइस होगा, लॉस है तो लॉस को माइनस करते हैं। अब इसको प्रॉफिट हो रहा 20% का, तो 200 और प्लस 40, 200 और 40 कर देंगे तो 240 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा राइट। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले हमने 180 उसकी जो ओल्ड टेबल की कॉस्ट थी और ₹20 उसको रिपेयर में लगे, यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ, 200 का हुआ। अब ये इसकी कॉस्ट आ गई, अब इसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 200 का हम 20% निकाल लेंगे, 20/100 करके, 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब 20 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, यानी कि उसको ₹40 कमाने हैं, अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो, ₹200 की चीज़ खरीदी है, ₹40 कमाने हैं तो ₹240 में बेचेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा सही होगा। अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स आर इक्वल, क्यूब और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ना वो इक्वल है, इनके डायमेंशन हमें दिए हुए हैं तो हमें एज फाइंड आउट करना है, क्यूब का एज क्या होगा। देखिए वॉल्यूम क्यूब का और वॉल्यूम क्यूबॉइड का दोनों ही सेम है, तो अगर हमें क्यूब का फाइंड आउट करना है, एज हमें दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8,
अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो चीजें हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कि क्या होगा, राइट। तो देखिए 18 का अगर हम अगर इन सबका मल्टीप्लाई कर दें, क्यूब फाइंड आउट करना है ना, वॉल्यूम, राइट। ए क्यूब होता है इसका फॉर्मूला, इसका ए क्यूब होता है, इसका भी ए क्यूब होता है। तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 में और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, 1728 हो जाएगा, राइट। 1728 हो जाएगा। और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1728 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। ये किस चीज़ का क्यूब है? अगर आपको क्यूब याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है। तो 12 का ये क्यूब है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अगर आपको 1728 समझ नहीं आ रहा है कि किसका क्यूब है, तो 1728 का आप इस तरीके से एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 864। इसी तरीके से यहाँ भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे 864 को तो ये 432 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करने के बाद में 216 हो जाएगा। फिर आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 216 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 108 हो जाएगा। और 108 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 54 हो जाएगा। और 54 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 54 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो 27 हो जाएगा। और 27 को 3 से अगर डिवाइड करोगे, 27 को 2 से डिवाइड नहीं करके आपको किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये 9 हो जाएगा। फिर अगर आप 3 से करते हो तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब पेयर बनाने हैं आपको 3 3 के, तभी इसका क्यूब फाइंड आउट होगा। तो ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना, यानी कि 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 3 = 12। इसीलिए इसका जो ऑप्शन आ रहा है 4 वाला, थर्ड वाला 12, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और आई होप कि ये जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में, जो कि हमारा इंग्लिश का सेक्शन यहाँ से शुरू होने वाला है। और इंग्लिश के इस सेक्शन के अंदर आप देखोगे कि 4 पैसेजेस दिए हुए हैं। हर पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना होगा, पैसेज को समझना होगा, फिर उसके बाद उन पैसेज के आंसर्स आपको देने होंगे। तो चलिए सबसे पहले पहले नंबर का जो पैसेज है, यानी कि जिसमें 81 से लेकर के 85 तक के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, पहले पैसेज के ऊपर सबसे पहले इस पैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वंस अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, ही वॉज ओल्ड एंड ही हैड 5 सन। एक बूढ़ा किसान था जो कि एक गांव में रहता था, और उस किसान के 5 बच्चे थे। द सन्स वर वेरी लेजी एंड डिड नथिंग। उसके जो भी लड़के थे वो बहुत लेजी थे, आलसी थे, कुछ भी नहीं करते थे। वन डे ही कॉल्ड देम एंड सेड, एक दिन उसने सबको बुलाया, उसने कहा, माई डियर सन्स, मेरे प्यारे पुत्रों, आई मे डाई समडे, मैं किसी भी दिन मर सकता हूँ। ऑल द गोल्ड्स एंड सिल्वर्स आई हैव इन योर्स, जितने भी गोल्ड्स हैं सिल्वर्स हैं वो सारे आपके हैं। इट इज़ अ हिडन इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में छुपे हुए हैं। आफ्टर सम टाइम्स द फार्मर डाइड, राइट, और कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। द ओबीडियंट सन बिगेन टू लुक फॉर द ट्रेजर्स, जो उसका बहुत ही जो आज्ञाकारी उसके पुत्र थे उन्होंने खोदना स्टार्ट कर दिया खजाने की खोज में। दे केयरफुली डग अप फील्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड्स बट कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर्स। उन्होंने खेत का जो किनारा था, एक किनारे से लेकर के जो दूसरा किनारा था वहां तक के सारे खेत को खोद डाले, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी उन्हें खजाना नहीं मिला। वन ब्रदर साइड, एक भाई ने कहा, वी हैव टेकन सो मच ट्रबल इन डिगिंग द फील्ड्स, वी शुड शो इट, और हमने मेहनत, एक ने कहा कि हमने इतना मेहनत करके अगर इसको खोद दिया है तो हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर बीज डाल देना चाहिए, बीज बो देना चाहिए। दिस दे डिड, और इस तरीके से उन्होंने किया। इन गुड टाइम दे ग्रू रिच क्रॉप्स, और कुछ ही समय में उनके पास फसल आई। और द सन्स रिमेंबर एज फादर वर्क्स अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सर्टन दे हैड फाउंड द हिडन ट्रेजर्स, और जब उनको समझ आया कि उनके जो पिता थे उनके कहने का मतलब क्या था, वो समझ पाए जब वो रिच हुए, बड़े हुए, राइट, जब वो ग्रो किए तो उनको समझ आया कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते थे।
और इस तरीके से उन्होंने जो हिडन ट्रेजर था, जो छुपा हुआ खजाना था, वो उनको मिल चुका था। चलिए अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आई मे डाई समडे, हे मे रिफर्स टू मे किस लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए मे बताया जा रहा है पॉसिबिलिटीज के लिए, संभावनाओं के लिए मे का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, जो कि पॉसिबिलिटीज को बता रहा है, जो कि मे वर्ड किसको बता रहा है, पॉसिबिलिटीज को बता रहा है, संभावनाओं को बता रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं कि मे का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में हम चर्चा करते हैं। द सन्स डग द फील्ड टू ग्रो द क्रॉप या फिर टू स्कैटर सीड्स ऑन द ग्राउंड टू गेट रीड द देयर लेजीनेस या टू फाइंड द गोल्ड। जो उसके पुत्र थे उन्होंने खेत को क्यों खोदा, इसलिए वो खोद रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उनको सोना चांदी ट्रेजर मिल जाए, तो टू फाइंड गोल्ड। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस दे डिड, दिस हेयर रिफर्स टू दिस, दिस किस चीज के लिए यहां पर रिफर किया गया है। दे डिड उन्होंने किया, दिस दे डिड इस तरह उन्होंने किया, किस लिए उन्होंने किया, ये किस चीज को रेफर कर रहा है, ये सोइंग को कर रहा है कि मतलब उन्होंने बोना स्टार्ट किया, बोना उसने इस प्रकार उन्होंने स्टार्ट किया। द फार्मर वॉन्टेड टू हिज सन टू बी, वो चाहता था कि उसके जो पुत्र हैं वो क्या बने। वॉन्टेड टू सन टू बी ओबीडियंट स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग एंड गुड फार्मर्स, वो चाहता था कि उसके जो पुत्र हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, राइट, वो स्ट्रॉन्ग बने, राइट, वो हार्ड वर्किंग बने। तो हार्ड वर्किंग इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पैसेज शोज द फार्मर वॉज, ये पैसेज किस चीज को शो कर रहा है कि जो उसके जो फार्मर है वो क्या था, वो बुद्धिमान था, राइट, वाइज था, इसीलिए उसने उस तरीके से अपने जो लड़के थे उनको वो समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पैसेज के बारे में बात करते हैं। फिशिंग इज द फेवरेट स्पोर्ट्स, फिशिंग एक फेवरेट स्पोर्ट्स है। आई ऑफ्टन फिश आवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग, बिना कुछ करे मैं फिश को घंटों तक कैच कर रहा था, बट मैं करता था, ऑफ्टन मतलब प्राय, बट दिस डोंट वरी मी, मुझे उसका कोई वरी नहीं होता था, बट दिस डज नॉट वरी मी। सम फिशर्समैन आर अनलकली, कुछ अनलकली थे, इंसीड द कैचिंग फिश दे कैच द ओल्ड बूट्स एंड रबिश, कुछ लोगों को बूट्स मिलते थे, रबिश मिलते थे। आई एम इवन लेस लकली, मैं बहुत कम लकली था, आई नेवर कैच एनीथिंग नॉट इवन ओल्ड बूट्स, मैंने कभी ओल्ड बूट्स मुझे नहीं मिले। आफ्टर हैविंग स्पेंट होल मॉर्निंग्स इन द रिवर, और पूरा मॉर्निंग इवनिंग जो है टाइम मॉर्निंग बिताने के बाद रिवर के किनारे, आई ऑलवेज गो टू होम विथ इम्पटी बैग, हमेशा मैं इम्पटी बैग लेकर के घर जाता था। यू मस्ट गिव अप फिशिंग, और लोग कहते थे कि तुम्हें ये फिशिंग छोड़ देना चाहिए। गिविंग माय फ्रेंड सेज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, मेरे दोस्त कहते थे ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट दे डोंट रियलाइज वन इम्पोर्टेंट थिंग्स, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग। लेकिन उनको एक चीज़ के बारे में कभी रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं इंटरेस्टेड था फिशिंग में, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन अ बोट एंड डूइंग नथिंग एट ऑल, मैं केवल बोट में बैठने में इंटरेस्टेड था और कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं था। जैसे कि ये पूरा इंटरेस्ट के ऊपर है और फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में, फिशिंग के बारे में है। चलिए अब हम यहाँ पे 86 वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सम फिशरमैन आर अनलकली बिकॉज, वो अनलकली क्यों थे, क्योंकि समटाइम्स दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश, राइट, कुछ कभी कभी उनको मछलियाँ नहीं मिलती थी, ओल्ड बूट्स मिलते थे, ये आपने पैसेज में पैराग्राफ्स में देखा भी समझा भी। फिशिंग इज अ राइटर फेवरेट स्पोर्ट्स एज ही, फिशिंग उसका फेवरेट स्पोर्ट्स है, क्यों उसका फेवरेट स्पोर्ट्स है, किस लिए ये बताया जा रहा है, दैट्स ऑल अबाउट इंजॉइंग डूइंग नथिंग वाइल सिटिंग इन अ बोट, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है कि इंजॉइंग डूइंग नथिंग वाइल सिटिंग इन बोट, उसका जो फेवरेट स्पोर्ट था वो था कि बस कुछ नहीं करना, केवल बोट में बैठ करके इंजॉय करना। क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बात करते हैं। द राइटर इज नॉट गुड फिशरमैन बिकॉज, जो राइटर था वो एक अच्छा फिशरमैन नहीं था, क्यों, क्योंकि वो हमेशा कभी भी कुछ नहीं पकड़ता था, ही नेवर कैचेस एनीथिंग, वो कभी कुछ नहीं पकड़ता था, राइट,
इसीलिए इसी तरीके से अगर हम आगे मूव करें, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, द बैग दैट राइटर कैरीज होम इज, जो बैग था वो हमेशा घर खाली ले जाता था, एम्पटी, राइट, एम्पटी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम 19th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो आप समझ पाओगे, द राइटर्स फ्रेंड्स आस्क हिम टू गिव अप फिशिंग बिकॉज, जो राइटर्स के फ्रेंड्स थे वो फिशिंग को छोड़ने के लिए कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि दे थिंक ही इज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, उनको ऐसा लगता था कि वो केवल टाइम पास कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड पैसेज। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट पैसेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि देर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन अवॉइड वेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन सी दैट टैप्स आर टर्न ऑफ प्रॉपरली शो दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, अगर हम जो नल हैं उनको प्रॉपर तरीके से टर्न ऑफ करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होगा। वी मस्ट सेव एनर्जी, हमें एनर्जी बचाना चाहिए, एंड एनर्जी मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू पेट्रोल, कुकिंग गैस एंड फायरवुड। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हर एक चीज, पेट्रोल से लेकर के कुकिंग गैस से लेकर के फायरवुड से लेकर हर एक एनर्जी। एनर्जी इज यूजफुल इन रनिंग ऑल आवर फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, इवन वाटर पम्प्स इन द फील्ड्स, और एनर्जी हर जगह यूजफुल है, इवन की ट्रांसपोर्ट में, वाटर पम्प्स में, हर जगह पे। सो केयरफुल यूज ऑफ आवर एनर्जी रिसोर्सेस कैन सेव अस अ मिलियन ऑफ रुपीज, और अगर हम इसका सावधानी से यूज करेंगे इस एनर्जी रिसोर्सेस का, तो हम मिलियंस ऑफ रुपीज बचा सकते हैं। वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड्स, हमें फूड को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर आर मेनी पीपल्स लेस फॉर्चुनेट देन अस हु डू नॉट गेट इनफ, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, वो अनफॉर्चुनेट है, राइट, हमारे जैसे उतने फॉर्चुनेट नहीं है। वी मस्ट ऑल्सो सेव पेपर, हमें पेपर को भी बचाना चाहिए। टेक केयर ऑफ आवर बुक्स, हमें बुक्स का टेक केयर करना चाहिए। वेस्टफुल यूज ऑफ पेपर मीन्स मोर फेलिंग्स ऑफ ट्रीज, और वेस्टफुल यूज अगर पेपर को हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रीज ज्यादा से ज्यादा कटेंगी और कम होंगी, क्योंकि पेड़ों की मदद से ही पेपर बनता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, ये पैसेज तो आपने समझ लिया है, अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। दैट इज वी मस्ट सेव फैक्ट्रीज, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज को सेव करने के बारे में बात नहीं की जा रही है। वी मस्ट सेव वाटर, यस इज इट करेक्ट, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी और पेपर्स को बचाने की बात हो रही है, लेकिन हमें फैक्ट्रीज को बचाने की बात नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है स्टेटमेंट हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, कौन सा नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी करता है, फायरवुड करता है, पेट्रोल करता है, लेकिन जो ये हमारा ट्रांसपोर्ट है वो हमें नहीं प्रोवाइड करता, राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 93rd वाला क्वेश्चन है, मेनी पुअर पीपल डू नॉट गेट इनफ, बहुत सारे ऐसे पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाता, फूड नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, बाय सेविंग एनर्जी वी कैन सेव, एनर्जी को सेव करके हम बचा सकते हैं मनी, पीपल, टैब्स एंड बुक्स, हम क्या बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं अगर हम एनर्जी को सेव करें, क्योंकि हम एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, राइट, रॉ मटेरियल उसका। बाय वेस्टिंग पेपर वी कॉज, हम जो वेस्टिंग पेपर है वो उसका क्या कारण हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ होंगे वो कम होंगे, मोर फेलिंग ऑफ ट्रीज, राइट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना होगा जो कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बेस्ड है, तो यहां से मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूं, अब ये पैसेज प्रॉपर हमें दिख रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टडीड एट हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड, उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ा। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जब इंडिया वापस आए, ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में है। आफ्टर जालियांवाला बाग मैसरेंस 1919 ही ज्वाइन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन फ्रीडम, वो इंडियन फ्रीडम का जो स्ट्रगल था उसको ज्वाइन किया। ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेवरल टाइम, उन्होंने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे बहुत समय तक। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर वेरियस टाइम्स, बहुत बार जेल भी गए।
इट वॉज हेयर दैट रोट फेमस बुक्स द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और वहां पे उन्होंने बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ऑन 15 अगस्त 1947 ही विकेम अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने फ्री इंडिया के. हेल्ड ऑफिस अंटिल डेथ 27th 1964. राइट. ही ऑलवेज वर्क फॉर पीस फ्रेंडशिप्स अमंग नेशंस. वो हमेशा पीस के लिए फ्रेंडशिप्स के लिए दूसरे देशों के साथ काम करते रहे. पीपल एवरीवेयर रिस्पेक्ट हिम आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड लीडर्स एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट स्टेटस. राइट. उन्होंने उनको हाईएस्ट स्टेटस दिया जाता है क्योंकि हमेशा उन्होंने लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. पीस के बारे में बात करी, फ्रेंडशिप के बारे में बात करी अपने नेशंस के साथ में. तो ये पैसेज है जवाहरलाल नेहरू के बारे में. राइट. तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं 96 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में कि नेहरू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज. नेहरू ने फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किया बिकॉज, इसका रीजन ये है कि वो महात्मा गांधी से इम्प्रेस्ड थे. राइट. इसलिए उन्होंने वो फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया. इसी तरीके से अगर हम 97 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है कि नेहरू वॉज सेंट टू प्रिजन अ नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज. बहुत बार जेल गए नेहरू. क्यों गए? क्योंकि ही फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं. इसी तरीके से इट वॉज हेयर दैट इन द सेंटेंस हेयर रेफर, वो है किसको रेफर किया गया है, दैट इज रेफर टू द जेल, और जेल में रहकर वहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी. तो हेयर उसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेल को. पीपल रेस्पेक्टेड नेहरू बिकॉज, पीपल जो लोग हैं वो नेहरू की रेस्पेक्ट करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ ही वॉज एन एबल स्टेटमेंट. राइट. उन लोग इज्जत करते थे, वो स्टेटमेंट्स थे. इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है. जवाहरलाल नेहरू हैड एडमिरेशन फॉर महात्मा गांधी, नहीं, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, यही स्टेटमेंट इसका गलत है, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है. तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन इन द प्रिजन, ये करेक्ट है. नेहरू से रिलेटेड है, नेहरू वॉज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है. और फेमस लीडर्स थे, ये भी करेक्ट है. तो पहला वाला ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो यही स्टेटमेंट हमारा सही होगा. और आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं. अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है ज्वाइन, और फिर आपको लिखना है PYQ, यानी ज्वाइन PYQ. और आपको ये 8770077 का जो नंबर है 431, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है स्क्रीनशॉट लेकर के. जो भी डाउट है उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.